एक्टर आर माधवन के बेटे का कमाल ऊंचा किया भारत का नाम, मिल रही बधाइयां। नमस्कार, बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। साला खंडूस और थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुके माधवन हर किसी के फेवरेट हैं। माधवन सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ शेयर करते ही रहते हैं। आर माधवन के बेटे विदांत को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। विदांत ने अपने परिवार और देश को गर्व महसूस कराया है। दरअसल आर माधवन के बेटे विदांत ने एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। वेदांत के ग्रुप में 3 और लड़के शामिल हैं। उन्होंने ग्रुप 2 में 4x100 मीटर फ्री स्टाइल मिले में पार्टिसिपेट किया था। आर माधवन ने बेटे और उनके ग्रुप के मेडल जीतने की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें विदास में तीनों लड़कों ने मेडल पहना हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए माधवन ने कैप्शन में लिखा, एशियन गेम्स से भारत को सिल्वर मेडल मिला, भगवान की दया। भारत की रिप्रेजेंट करते हुए वेदांत का पहला ऑफिशियली मेडल। वेदांत और माधवन को सेलिब्रेट्स और फैंस की तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। वेदांत की उम्र 14 साल है। वेदांत की स्विमिंग में खास दिलचस्पी है। माधवन और उनकी पत्नी सरिता बेटे को उपलब्धियों को फैंस के साथ अक्सर शेयर करते रहते हैं। वेदांत की टीम में उत्कर्ष पाटिल, साहिल लश्कर, शुआन गांगुली शामिल है। प्रतियोगिता में थाईलैंड की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जापान ने ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा भारत ने ग्रुप 1 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में गोल्ड मेडल जीता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो माधवन ने फिल्म रहना है तेरे दिल में, थ्री इडियट्स, तनु वेट्स मनु और तनु वेट्स मनु रिटर्न जैसी फिल्मों में काम किया है। माधवन ने फिल्म के अलावा राइटर, डायरेक्टर और होस्ट में भी काम किया है। साथ ही माधवन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने सरिता विर्जे से शादी की है।